हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं अभी नहा के रेडी हुई हूँ। मतलब नहा तो मैंने लिया था 7 बजे, बट मैंने सारा काम फिनिश करके अब मैं फ्री हुई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। तो बन रही है आप लोग हमारे साथ में। दोस्तों, आज का हमारा ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। अपने बारे में नहीं, किसी और बहुत बड़े सोशल मीडिया स्टार के बारे में शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपके वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूँगी जो कि किसी स्टार की लाइफ से जुड़ी हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उनकी क्या बोलते हैं, मान सम्मान की बात है जो मैं आप लोगों से आज शेयर करूँगी। तो बने रहिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आज बात करने वाली हूँ सोशल मीडिया की बहुत बड़ी स्टार अंजलि चौहान जी के बारे में। तो दोस्तों, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने 5,000 रुपये, मतलब कि वो निशा लांबा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, दिल्ली में उनका पार्लर है, तो वो वहाँ पे गई थी ट्रीटमेंट करवाने अपना हेयर का और फेस वगैरह का। तो उन्होंने 5,000 के प्रोडक्ट लिए थे और उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। और तो निशा लांबा जी ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि अंजलि चौहान जी ने चोरी की है, मतलब पैसे नहीं दिए और सामान भी मंगवा लिया और सामान को रख लिया अपने घर पे और उसके पैसे नहीं दे रही हैं। वही अंजलि चौहान जी का कहना है कि हमारी निशा लांबा जी से बात हुई थी कि मैं उनका प्रमोशन कर दूँगी वीडियो का और उसी में पैसे कट हो जाएंगे, बट निशा लांबा जी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है प्रमोशन वगैरह की। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो ऐसे मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए, या कोई भी हो, आप किसी के यहाँ जाओ, आप काम करवाते हो तो आपको पैसे तो देने ही नहीं चाहिए, है कि नहीं? प्रमोशन वगैरह बात की बातें होती है। निशा लांबा जी ने वीडियो भी शेयर किया है और कुछ स्क्रीनशॉट और पोस्ट वगैरह भी शेयर किए हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने सबूत भी दिखाया है कि अंजलि चौहान जी ने फ्रॉड किया उनके साथ में, और अंजलि चौहान जी इस बात से साफ इनकार कर रही हैं। कल उन्होंने लाइव आके शेयर भी किया है, बट तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अंजलि चौहान जी गलत हैं, क्योंकि आप किसी के यहाँ जाते हो तो फ्री का ट्रीटमेंट, उन्होंने बोला कि उन्होंने फ्री का ट्रीटमेंट भी करवाया और पैसे भी नहीं दिए, तो ये चीज़ गलत है कि नहीं दोस्तों? तो आप लोगों को क्या लगता है, कौन सा ये कौन गलत है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से अंजलि चौहान जी गलत हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक तो फ्री में ट्रीटमेंट करवाया, दूसरा उनके प्रोडक्ट भी ले लिए, पैसे भी नहीं दिए और बोली कि रिटर्न कर दूंगी। ऐसा नहीं करना चाहिए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों जो आप लोगों से शेयर करनी थी। आप लोग बता सकते हैं कौन सही है कौन गलत है। बाकी मैं किसी को ये नहीं, मैं किसी के पर्सनल मैटर में नहीं बोलूँगी कि मेरा हक नहीं है। बाकी जो मुझे सही लगा वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। बाकी आप लोग बताइए कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसा उनको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हर इंसान कमाने के लिए बैठा है, हर इंसान दो रोटी की आस में बैठा है कि नहीं? तो वो सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो यही बातें थी दोस्तों, मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। तो अब चलिए हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ में, मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट के बाद। तो दोस्तों देखो, मैं यहाँ पे खा रही हूँ बनाना, तो जिस किसी को भी खाने है आ जाइए। मैं सुबह सुबह से ही खाती हूँ एप्पल या ग्रेप्स हो गया, और आज मैं बनाना खा रही हूँ। तो अब मैं पीने जा रही हूँ चाय, तो चाय के साथ मैं खा रही हूँ टोस्ट। आपको भी खाने हैं तो आ जाइए फटाफट से। और ये देखिए, खाया जाने खा रही, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है सुबह सुबह से। प्रेगनेंसी टाइम पे होता है ना, बहुत ज़ोर से भूख लगती है, तो मैं यही सारा कुछ है। तो देखिए दोस्तों, मेरा नाश्ता हो गया है और ये हमारे भैया जी लेटे हुए
सुबह से पबजी में घुस जाते हैं और रात के 2 बजे तक पबजी खेलते हैं। आप लोग कौन कौन पबजी लगा रहे हैं कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों अब मैं खा रही हूँ कुरकुरे, जिस किसी को भी कुरकुरे खाने हैं वो आ जाए, मुझे कुरकुरे बहुत ज़्यादा। तो कैसा लगा आपको हमारा एक छोटा सा ब्लॉग? अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में बताइएगा कि सही कौन है और गलत कौन है, अंजलि गलत है या निशा सही है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।